हाय एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बातला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स और मॉर्निंग एनर्जीज क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ और हमारी इस यूट्यूब फैमिली का एक प्यारा सा पार्ट बनी। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप नए हैं मेरी इस वीडियो में तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है, आप इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपने व्यू ज़रूर शेयर करें, मैं सारे कमेंट्स चेक करती हूँ। ओके, एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और इन क्रिस्टल्स को आज ही अपने लिए बुक कर सकते हैं। ये क्रिस्टल्स आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से और आपके पार्टनर के नाम और डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत मैजिकली वर्क करते हैं। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हैं तो आप आज ही मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करिए। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो गाइज, हम आगे चलते हैं एंड जब आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है, कोई एज ग्रुप का पर्सन भी इस रीडिंग को देख सकता है, कोई भी रिलीजन का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। साथ ही साथ गाइज, अगर जो भी पार्ट इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट होता है रखो, जो पार्ट रेजोनेट नहीं होता उसे स्किप कर सकते हो। ठीक है, एंड इट्स लाइक अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, डाइवोर्स होने वाला है, तो हर सिचुएशन में ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सो गाइज आगे चलते हैं। अगर आप चाहते हो कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो अब जब मैं कार्ड को शफल करूँ ना तो अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि जितना आप अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे उतना ही अच्छे से ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस शख्स के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस शख्स ने उनको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन दिया है, उस शख्स की आज सुबह किस एनर्जी में है, उस शख्स की एनर्जी क्या है, डिवाइन बताएं। ओके, सो अपने आप नाइन ऑफ कप की एनर्जी उठ कर आई है। एम्परर, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरोट, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में हमारे पास है थ्री ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। माय गॉड, ओके, ठीक है, आई होप सो यू ऑल कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली, राइट, सो जिस शख्स के बारे में आप इस समय सोच रहे हो उनके जोडियक साइंस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर ये जोडियक्स आपके साथ रेजोनेट नहीं होते ना तो भी इट्स ओके, तो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होके आगे आप रीडिंग सुनिए। सो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, सबसे पहले ही नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ ऐसी विश तो इस पर्सन की अधूरी रह गई है, कुछ ऐसा इस पर्सन को मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे रियलाइज हो रहा है कि जैसे कोई इसने अपनी प्रोमिसेस पूरा ना करा हो या कोई अपनी बात पूरी नहीं करे हो, जिस चीज़ को लेकर इस समय ये पर्सन अफसोस की एनर्जी में, रिग्रेट की एनर्जी में देखने को मुझे मिल रहा है। पता है, आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी राहु हो सकता है, कि आप लोगों का काफ़ी रूलिंग प्लैनेट हो सकता है राहु, ठीक है, या फिर ये समय आपका कुछ मार्स का चल रहा है, ऐसी मार्स या राहु का चल रहा है, तो ऐसा कुछ होने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि जो एम्परर की एनर्जी मुझे ये चीज़ शो कर रही है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, रिबेलियस उनका नेचर है, जिस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट या अटैचमेंट फील करते हैं तो वहाँ पर इंटेंस फीलिंग्स उनकी डेवलप होती हैं, और अगर किसी पर्सन से ये कट ऑफ कर देते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल मुड़के नहीं देखते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है। काफ़ी हद तक आपके पर्सन का जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा रिवेंजियस है, जब इन्हें बुरा लगता है ना तो वो उस चीज़ को भुला नहीं पाते हैं, और जब तक उस चीज़ का बदला नहीं ले लेते ना तो देवर लाइक शांत नहीं बैठते। पर आपके पार्टनर जो है उनके लिए उनकी ईगो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी भी काफ़ी ग्रेसफुल है, ठीक है, काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर की है, और बहुत लोग इन पर फिदा हुए, मतलब काफ़ी लोग हैं जो इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या इनको फॉलो करते हैं या इनसे मोटिवेट फील करते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर देखने को मिल रही है।
जो आपके पार्टनर है ना, ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में बहुत बड़े बड़े चेंजेस को शो करता है, यानी मे बी दिस इज अ चांस जहाँ पर आपके पार्टनर की आपके साथ मिलने की चाह बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, मे बी नियर फ्यूचर में आपकी मीटिंग भी हो सकती है। आप पता है अपने पार्टनर के ना दिल दिमाग में छाए हुए हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ पता है आपके पार्टनर का ऐसा नेचर है कि जो जिस पर्सन के बारे में वो दिल दिमाग में मतलब सोचते रहते हैं ना, उस पर्सन के लिए वो बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड भी फील करने लग जाते हैं। और वही उनका नेचर है आपके साथ, जो उनका प्यार है ना इस समय करंट एनर्जीज में वो बिल्कुल ऑब्सेशन वाला लग रहा है, यानी बिल्कुल प्योरली ऑब्सेशन की तरह वो पागलों की तरह इमेंस लव कहीं ना कहीं वो आपसे कर रहे हैं, बिल्कुल टूट के प्यार करना चाहते हैं वो आपको, ऐसी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोकते हैं, अपनी फीलिंग्स को रोकते हैं, कहीं ना कहीं वो एक चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसी एनर्जी भी उनकी मुझे देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं वो अपने आप का ना थॉट पैटर्न चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, मे बी कहीं ना कहीं वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं या फिर अपना ध्यान जो है अपने काम अपने करियर की तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स निकालते हैं तो हमें और अच्छे से क्लैरिफाई होगा कि किस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस शख्स के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस शख्स ने उनको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन दिया है, उस शख्स की क्या एनर्जी है। पॉसिबिलिटी का कार्ड अपने आप पिकअप हो कर आया है। सो दिस इज पॉसिबिलिटी। द सेकेंड कार्ड इज द कार्ड ऑफ अ पॉलिटिक्स। देखिए इंटेंसिटी, इंटीग्रेशन, फ्लावरिंग, क्लिंगिंग टू द पास्ट। देखिए ओके, एंड द बॉटम में वी हैव द मूवमेंट टू मूवमेंट। ठीक है, जिस शख्स के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, आज सुबह कहीं ना कहीं उनकी ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये शख्स, मैंने कहा ना आपसे मिलने की चाह बहुत ज्यादा इनके अंदर उत्पन्न हो रही है और कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो आगे मुझे जो एनर्जी आपके पार्टनर की और देखने को मिल रही है ना, वो पता है जब आप उन्हें बहुत स्पेशल फील करवाते हो या उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो, आई होप सो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, जब उन्हें इंपॉर्टेंस देते हो, उन्हें इंपॉर्टेंस फील करवाते हो, उन्हें स्पेशल फील करवाते हो, तो वो उनके लिए ना बहुत ही बेस्ट फीलिंग होती है, चाहे उस समय वो चीज़ ये आपको शो करे या नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर का जो नेचर है ना, वो जैसे हैं जो उनके दिल में है, वो जल्दी से उन चीज़ों को बताते नहीं हैं या जल्दी से उन चीज़ों को शो नहीं करते हैं, ठीक है। उन्हें बहुत अच्छा फील तो होता है, आपकी वाइब्स उनके साथ मैच करती हैं, आपकी वाइब्स उन्हें हील करती हैं, ठीक है, लेकिन वो ये चीज़ें ना आपको शो नहीं करते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। पता है आपके पार्टनर ना, व्हाट आई बिलीव कि कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ऐसा फील करते हैं कि जैसे जो आपके साथ उनका कनेक्शन है ना, वो बहुत ही प्योर है, ठीक है, बहुत ही ऑनेस्ट है। ऐसा कनेक्शन उनका मतलब कभी डेवलप हुआ ही नहीं, और ऐसा कनेक्शन किसी और के साथ भी उनका डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि जो कनेक्शन वो आपके साथ महसूस कर रहे हैं वो कभी किसी और के साथ महसूस नहीं कर पाए। वहीं पर मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड भी हमें ये चीज़ शो कर रहा है कि धीरे धीरे ही सही, ठीक है, धीरे धीरे ही सही। पर ये शख्स जो है ना, वो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल बनते जा रहे हो, ये इन्हें फील हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनते जा रहे हो, इनके थॉट्स इनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं आप ही बसते जा रहे हो, ऐसी इनकी एनर्जी है। ये शख्स ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इस शख्स की जो एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, कि ये सोचते तो बहुत हैं लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो ये एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये एक्शन भी लेंगे आपको लेकर, ठीक है, आपकी तरफ कदम भी बढ़ाते हुए, क्योंकि इंटेंसिटी का कार्ड भी आएगा। ये क्लिंगिंग टू द पास्ट है तो इंटेंसिटी की एनर्जी भी देखने को मिली है, जहां पर आपकी तरफ कदम भी बढ़ाते हुए से नजर आ रहे हैं। जो आपके पार्टनर है ना, उनसे उन्हें ना आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है, आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको याद करके आपकी जो मेमोरीज हैं वो उनकी सोल को हील करती हैं, ऐसा वो महसूस करते हैं, ठीक है। उनके लिए रिलेशनशिप
वो ना इस रिलेशनशिप को वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और आगे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। यानी अगर अभी तक आप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, यानी एक अलग ही इक्वेशन इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी है, ये शख्स ना आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और ये इनको बहुत ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर होता जा रहा है कि यार मेरी उससे बात भी नहीं हो रही है और मैं उसके अलावा किसी और को चाह भी नहीं सकता हूँ, किसी और की तरफ बढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये शख्स ऐसा सोचते हैं कि आपको रिप्लेस भी नहीं कर पा रहे हैं, एक अलग ही बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों को ना कनेक्ट करे हुए है, ठीक है, एक अलग ही बॉन्ड है, ठीक है, और वो बॉन्ड ना टूटे नहीं टूट रहा है। तो ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रही है। पता है आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा चूजी हैं, ठीक है, उनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर वो बहुत ज्यादा चूजी है। अगर वो दोस्ती भी करते हैं या रिलेशनशिप में भी जाते हैं ना, तो वो पहले सोचते हैं, थॉटफुल होते हैं, फिर उसके बाद रिलेशनशिप में भी जाते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो आपके साथ उनका कनेक्शन है ना, वो इतना स्पेशल बन चुका है कि आपके साथ उनकी वाइब्स बहुत स्ट्रांगली मैच हो रही है। मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये जो शख्स है ना, इसकी वाइब्स हर किसी से मैच नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इस शख्स की वाइब्स आपके साथ ऐसे बैठी हैं, ऐसे इस शख्स के साथ आपकी केमिस्ट्री बैठी है, ट्यूनिंग बैठी है कि ये कनेक्शन छूटे नहीं छूट रहा है इनसे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। आपके पर्सन इस तरीके से फील करते हुए से नजर आ रहे हैं जैसे ये बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है और इस बॉन्ड को वो नहीं खोना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर वो नहीं खोना चाहते हैं इस बॉन्ड को। चलिए और भी एनर्जीज देखते हैं, फिर उससे हमें और क्लैरिफाई होगा किस एनर्जी में आपके पर्सन आज सुबह। तो सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स हेल्प करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस शख्स के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस शख्स ने उनको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन दिया है, वो शख्स आज सुबह किस एनर्जी में है, आगे फ्यूचर में वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं और लेंगे तो वो नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे। तो यहाँ पर अपने आप इस समय देखो, माई गॉड इनडिसाइसिव, ओके, सेकेंड कार्ड इज ऑल टाइड अप फिलहाल तो, ठीक है, ओके, यिन एंड यांग, दो बार यिन एंड यांग की एनर्जी उठ कर आई है, द इंटीग्रेशन एंड यिन एंड यांग, यानी बैलेंस तो नहीं बिठा पा रहे हम। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड द बॉटम में इज अ केयरिंग कनेक्शन, फाइन, ओके। यहां पर मुझे जो एनर्जी आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है, इट इज ऑल लाइक, देखो इस समय तो ये साफ साफ हमें नजर भी आ रहा है, जैसे आपके पार्टनर इस समय बिल्कुल इनडिसाइसिव हो रखे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो नेक्स्ट लेवल पर क्या एक्शन ले, ठीक है, इस कनेक्शन को वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाना तो चाहते हैं लेकिन वो ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर कैसे जाए, कैसे आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में। इस शख्स का ना बहुत इच्छा होती है आपसे लाइक मिलने की, आपसे कॉन्टैक्ट करने की, बट कहीं ना कहीं बिल्कुल इनडिसाइसिव है, अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, रोक लेते हैं, ठीक है, तभी तो अंदर सब कुछ खराब हो रखा है, सब कुछ उलझा पड़ा है इनके दिलो दिमाग में, बहुत तरीके के थॉट्स इनके दिलो दिमाग में घूम रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, ऑल टाइड अप इन देयर माइंड, ठीक है, सब कुछ खत्म हो रखा है इनके दिमाग में, सब कुछ उलझा पड़ा है और जब तक ये उलझन उनकी जिंदगी से सुलझ नहीं जाती है तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर कुछ भी वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत केयरिंग कनेक्शन तो फील होता है, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा आपके साथ बात करने का, आपकी तरफ आने का इच्छा होती है, आपके बारे में जानने की इच्छा होती है, आपके लिए केयरिंग महसूस करते हैं, आपके लिए इमोशनल फील करते हैं, एक स्ट्रांग अटैचमेंट भी आपके लिए कहीं ना कहीं वो फील करते हैं, लेकिन वो अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। जो नंबर यहाँ पर प्रोमिनेंट मुझे नजर आ रहा है वो है 4 नंबर, ठीक है, एंड जो ये 4 नंबर है, 4 नंबर हो सकता है आपके लिए बहुत स्पेशल हो, मे बी आप अगर जैसे हम नेक्स्ट एक्शन की बात कर रहे हैं तो मे बी नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर या 4 डेज टू 4 वीक्स के अंदर आपके पर्सन कुछ इनडिसाइसिव की एनर्जी से बाहर निकल पाए और कुछ डिसीजन इस रिलेशनशिप को लेकर ले सकें, और वो डिसीजन जब वो लेंगे ना तो आपको खुद वो खुद उस चीज की अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर इस समय तो वो इनडिसाइसिव है लेकिन नेक्स्ट 4 डेज टू 4 वीक्स के अंदर मे बी आप उनके अंदर
कोई चेंजेस देख पाओ, कोई बड़ा बदलाव देख पाओ, उनका कोई बड़ा फैसला देख पाओ, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है. ओके, सो आई थिंक सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. ये आज आपके पार्टनर की एनर्जी है. एब्सोल्युटली अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर जरूर करिएगा. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर.